नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कम से कम 200 फुल फॉर्म से जो मैंने ऑलमोस्ट इसमें जोड़ दिए हैं। टोटल जितने भी फुल फॉर्म आते हैं वो हमेशा SSC के अंदर या फिर रेलवे डी ग्रुप, लोको पायलट, बैंक, उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म नहीं पूछने के अलावा आजकल एक और है जो SSC CHCL का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा गया था। अभी ये इस शब्द का, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर M का मतलब क्या होता है, जैसे अलग अलग क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर एक शब्द का मीनिंग पूछ रहा था। तो मैं आपके लिए पूरे के पूरे जो फुल फॉर्म है वो 200 के आसपास है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगे उसके लिए उसके लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहला है कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, बी फुल फॉर्म पहले ही कंप्यूटर का अर्थ। तो कंप्यूटर का अर्थ होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसमें सी का अर्थ हो गया कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाद है DP, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसके अंदर DP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DP को कहते हैं डिस्प्ले पिक्चर। तो उसके बाद है LLB का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ, जो कानून के अंदर जो स्नातक की डिग्री है 12वीं के बाद, जो सीधे 12वीं के बाद इसे कर सकते हैं, तो बैचलर ऑफ लॉ। उसके बाद है पुलिस, पुलिस का मतलब पूरा अर्थ क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद है AM का मतलब क्या होता है, सो सुबह होता है AM, तो AM का मतलब हो गया एंट मोरियडन, एंट मेरेडियन, बिफोर नून, मतलब दोपहर से पहले, या इसे बोल सकते हैं पूर्वा है। उसके बाद है PM, तो PM का मतलब होता है पोस्ट मेरेडियन आफ्टर नून। उसके बाद है BC, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा का जन्म हुआ था उससे पहले के समय को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। तो उसके लिए उपयोग करते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में BC, और AD ईसा पूर्व, ईसा के बाद जो ईस्वी स्टार्ट हुई है उसे बोलते हैं ईस्वी, जिससे का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। उसके बाद है ATM का यूज़ आप मोस्टली करते ही हो, तो उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन या स्वचालित टेलर मशीन। यहाँ पे T का मतलब ट्रांजेक्शन मत कर देना, T का मतलब होता है टेलर। उसके बाद है SMS, SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद है MMS, MMS का अर्थ होता है मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस। उसके बाद है BMW की जो कार है उसका नाम है बेवेरियन मोटर्स वर्कर्स। उसके बाद है CV, CV का मतलब होता है करिकुलम वीटी, या उसके बोल सकते हैं बायोडाटा या व्यक्ति वर्थ, जो व्यक्ति की फुल फॉर्म है उसे बोलते हैं CV। उसके बाद है CDME, CDM का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस, कूट विभाजन बहु अभिगम। उसके बाद है CEO, CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या कहलाता है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद है DND, DND का मतलब होता है डू नॉट डिस्टर्ब। उसके बाद है DNA, DNA का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोस, ये यहाँ पे राइबोज है, राइबोस, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल भी बोल सकते हैं। उसके बाद है DLF, DLF का मतलब होता है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, दिल्ली भूमि का तथा वित्त। उसके बाद है EMI, EMI का मतलब होता है
इक्वेस्टेड मंथली इंस्टॉलमेंट मासिक किस्त। उसके बाद है ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा या वगैरह, बोल सकते हैं ना 1 2 3 4 ईटीसी वगैरह वगैरह, तो ईटीसी का मतलब होता है वगैरह या एटेस्ट्रा। ईमेल, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद है फीफा, जो फुटबॉल के लिए जो उपयोग होते हैं, फीफा वर्ल्ड कप आपने नाम तो सुना ही होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल फुटबॉल संस्था महासंघ। उसके बाद फ्रेंड, फ्रेंड आप अक्सर उपयोग करते हैं शब्द दोस्तों के लिए, तो उसका मतलब होता है फर्स्ट रिलेशन इन अर्थ नेवर डाइज। इसका अर्थ है आपका मतलब हो गया फर्स्ट, आर का रिलेशन इन अर्थ नेवर डाइज। डीएलएफ, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, दिल्ली भूमि तथा वित्त। ईएमआई हो गया, ईटीसी हो गया, ईमेल हो गया, ये दोबारा आ गए, ठीक है माफी चाहता हूँ आपसे। उसके बाद है जीएसएम, द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल संचार हेतु वैश्विक प्रणाली जीएसएम, जैसे में सीडीएम और जीएसएम, तो इसमें जीएसएम का मतलब होता है द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद है जीपीआरएस, जीपीआरएस का मतलब होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, सामान्य पैकेट रेडियो सेवा। उसके बाद है जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म अभी 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था, उसका मतलब अर्थ है गुड एंड सर्विस टैक्स, माल एंड सेवा कर। तो उसके बाद है एसटीसी, एसटीसी का जो मोबाइल आप यूज़ करते हो आप पर आपको फुल फॉर्म याद नहीं है इसकी, तो इसकी फुल फॉर्म है हाई टेक कंप्यूटर, उस तकनीकी का संगणक। उसके बाद है एचसीएल, हिंदुस्तान कंप्यूटर सॉरी लिमिटेड, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। उसके बाद है एचपी, एचपी का मतलब होते हैं हेवलेट पैकर्ड, या बोल सकते हैं दूसरा इसका मीनिंग है, एचपी का मतलब उपयोग करते हैं आप हॉर्स पावर के लिए, जो मोटर है उसकी जो क्षमता है, क्षमता को व्यक्त करते हैं एचपी में, जिसका मतलब हो गया हॉर्स पावर, ठीक है। उसके बाद है एचआर, एचआर का मतलब एक तो आप ये मत समझ लेना अभी हर जगह हरियाणा ही होता है, यहाँ पे हरियाणा नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। उसके बाद है एचटीटीपी, एचटीटीपी कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है इंडिया, इंडिया का फुल फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशनल ऑफ डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन अलायंस, इंडिया का फुल फॉर्म दोबारा सुन लीजिए आप, इंडिपेंडेंट नेशनल ऑफ डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन। उसके बाद है आईपीएल, आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। उसके बाद है आईएसटी, आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग, ये देख लेना इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग। उसके बाद है जेसीबी, जेसीबी का मतलब होता है जोसेफ सारियल पम्बोर्ड, जोसेफ सारियल पम्बोर्ड। उसके बाद है जेपीईजी और जेपीजी, जेपीईजी और जेपीजी का फाइल है वो होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, संयुक्त फोटोग्राफी विशेष विशेषज्ञ समूह है। उसके बाद है जॉब, जॉइनिंग अदर्स बिजनेस, जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको सभी को जॉब की ज़रूरत है पर आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, पहले जॉइनिंग अदर्स बिजनेस अनाधिकता प्राप्त है इसको। उसके बाद है जेईई, सभी 12th के पास जेईई के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसका मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। उसके बाद है जे आर टी टाटा, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, JRD टाटा का मतलब है। KFC, KFC का मतलब होता है केंटुकी
फ्राइड चिकन, उसके बाद है लव। ये देख लेना है आप, ज़्यादातर लव की फुल फॉर्म आती है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको पता नहीं क्या क्या होता है। तो एल का मतलब होता है लाइफज, ओ का मतलब ओनली वैल्यूबल इमोशन, जो इमोशन के साथ जो अत्यधिक क्या होता है लाइफ जी सकते हैं तो उसे बोलते हैं इमोशन। और आजकल लव के बारे में तो इमोशन सभी हैं। उसके बाद है लोल, ज़्यादातर दोस्त के लिए उपयोग करते हैं। तो लाफिंग आउट लोड, अनाधिकारिता प्राप्त है इसका, यहाँ पे इसका कोई मतलब मत समझना। लाफिंग आउट लोड का मतलब होता है लोल का। उसके बाद है एलओसी, एलओसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। उसके बाद है एमडी, एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंधक निदेशक। उसके बाद है एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला मतलब महाशिया दी हट्टी। उसके बाद है एमबीए, एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक को, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है एमबीबीएस, एमबीबीएस की फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी स्नातक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एमबीबीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद है नासा, नासा के फुल फॉर्म है नेशनल एरो एनोटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक तथा अंतरिक्ष अनुसंधान। उसके बाद है न्यूज़, न्यूज़ की फुल फॉर्म, न्यूज़ आप सभी को पता है न्यूज़, पर उसकी फुल फॉर्म होती है देख रहे हैं एक बार भी आप यूज़ करते हो ये, तो नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम और दक्षिण, चारों दिशाओं की जो समाचार हैं उन मिलकर क्या बनती है न्यूज़। उसके बाद है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उसके बाद है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। उसके बाद है नोएडा, नोएडा का मतलब है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उसके बाद है ओके, ओके का मतलब होता है ऑल करेक्ट, क्या होता है ऑल करेक्ट, तो ये ज़्यादातर उपयोग करते हैं ओके का, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना। ORS, ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसके बाद PVR, तो PVR का मतलब होता है प्रिया विलेज रोड शो, प्रिया विलेज रोड शो। उसके बाद PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डायरेक्ट की उपाधि या विद्वत्ति, जहाँ पर पढ़ाई इसके आगे की सीमा समाप्त हो जाती है, ये सबसे अंतिम सीमा है, तो ये होगी PhD। उसके बाद PCO, पब्लिक कॉल ऑफिस, सार्वजनिक कॉल सबकक्ष। उसके बाद QA, क्वेश्चन आंसर, QR कोड है क्विक रेस्पॉन्स कोड। RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, रियली सिंपल सिंडिकेशन। उसके बाद है ROFL, ROFL, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, क्या होता है रोलिंग ऑफ द फ्लोर लाफिंग। उसके बाद सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ग्राहक पहचान मॉड्यूल। उसके बाद है STD, स्टैंडर्ड ट्रक डायलिंग। उसके बाद है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। TC का मतलब होता है टेक केयर, और एक और है TC का फुल फॉर्म, वो मैं अभी इसके आगे आएगा तभी हम आपको बता दूंगा भी। TC का मतलब हो गया, एक तो हो गया टेक केयर। उसके बाद है TDS, टैक्स डिडक्शन एड सोर्स,
पर कर की कटौती क्या कहलाती है? TDS। उसके बाद TRP टेलीविजन रेंटिंग पॉइंट। उसके बाद है UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद है UPS, तो UPS की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अबाधित शक्ति आपूर्ति या निर्बाध विद्युत आपूर्ति। उसके बाद है USA संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका। उसके बाद है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद है वीज़ा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय वीज़ा सेवा संघ। उसके बाद है वायरस विंटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसीज। उसकी वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी या तार विहीन फिडिलिटी। उसके बाद है WWE आप सभी देखते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म भी जान लीजिए वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट विश्व मल्ल युद्ध मनोरंजन। उसके बाद है WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब एक्स रेडिएशन। उसके बाद है एक्स विकिन XML का मतलब होता है मार्क अप लैंग्वेज। जू का मतलब होता है जूलॉजिकल पार्क या प्राणी पार्क। उसके बाद है ABD का तो हो गया AB डिविलियर्स, और ADB का मतलब हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद है BCBS का मतलब हो गया बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। उसके बाद है BCSBI का फुल फॉर्म हो गया बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। BIS का मतलब होता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। और इसके अलावा एक और बता देता हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक तो फुल फॉर्म होगी ये, और दूसरी होगी बैंक और इंटर सेटलमेंट। उसके बाद है CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS का मतलब हो गया कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। उसके बाद है DBOD डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है DBS द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। उसके बाद है EXIM एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है HSBC हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDBI का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है LIBOR लंदन इंटर बैंक फॉर रेट। उसके बाद है MIBOR मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। उसके बाद है NABARD नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना मैं बता देता हूँ 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस ये केवल जो किसान हैं उनके लिए खोला गया बैंक है। उसके बाद है NBFC, तो NBFC का मतलब हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। उसके बाद है PNB पंजाब नेशनल बैंक, ये तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद RRB रीजनल रूरल बैंक। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद यूएसओ यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनईडीबी नॉन ईस्टर्न डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद एनआरबीआई नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद ओबीयू ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, उसके बाद आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एचडीएफसी की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद है आईएफसीआई इंडस्ट्रियल बैंक फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद है आईसीएफएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंस एनालिसिस ऑफ इंडिया, उसके बाद है एएएफआई एमच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद एएफपी आप आम आदमी पार्टी, एबीसी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद है एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके बाद है एडीबी एशियल डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद एडेस एडेस का फुल फॉर्म है एक्वायर एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके बाद है एआईआईएमएस एम्स एम्स का मतलब हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसके बाद है बीए बैचलर ऑफ आर्ट बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएआरसी बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसके बाद बीसी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ईसा पूर्व, उसके बाद है बीसीसीआई बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके बाद है बैल बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और एक आपको बता देता हूँ बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये तो हो गया बैल और दूसरा हो गया बैल, दोनों की फुल फॉर्म आपको बता दी बैल की होती है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके बाद है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद सीएडीए काडा कमांड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, उसके बाद है CIA क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बाद CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद CIL कोल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद COD कैश ऑन डिलीवरी, उसके बाद COP कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, उसके बाद CVC चीफ विजिलेंस कमीशन, उसके बाद CWC केमिकल पेपर वेपन्स कन्वर्जन, उसके बाद DNA डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, उसके बाद DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, उसके बाद है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद DTS डायरेक्ट टू होम यूज सभी करते हैं, पर इसकी फुल फॉर्म आज पता कर लिया आपने डायरेक्ट टू होम, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसके बाद ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके बाद EMI इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसके बाद EMS यूरोपियन मॉनिटरिंग सिस्टम। EMS की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, उसके बाद ESCP इकोनॉमिक्स एंड कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। क्या इसकी फुल फॉर्म? इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये हो गई ESCAP की फुल फॉर्म। उसके बाद आ जाइए ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद EVM इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, उसके बाद फाटा FATA फेडरली एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FCI फूड कॉरपोरेशन इंडिया, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FM का हो गया फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी। एक और बता देता हूँ AF का मतलब, A का तो हो गया ऑडियो, क्या हो गया? ऑडियो, और फ्रिक्वेंसी का हो गया, F का हो गया फ्रिक्वेंसी, तो फुल फॉर्म होगी ऑडियो फ्रिक्वेंसी AF की। उसके बाद GAAR गार जनरल एंटी अवॉइडेंट रूल, उसके बाद GATT जेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसके बाद GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिलिंग, उसके बाद GIC जनरल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद GM जेनेटिकली मॉडिफाइड या जनरल मैनेजर, उसके बाद GMT ग्रीनविच मीन टाइम ग्रीनविच मानक रेखा, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GPO जनरल पोस्ट ऑफिस, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GRT ग्रॉस रेटेड टेनेज, उसके बाद GSLV जियोसिक्रॉन सैटेलाइट लॉन्च, GST गुड एंड सर्विस टैक्स, HCL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, STI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद है H का फुल फॉर्म हो गया हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और इसके आगे बी और लगा दिया जाए तो बन जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद है HMT हिंदुस्तान मशीन टूल, ट्रैक्टर देखा ना आपने सभी ने HMT, तो इसके फुल फॉर्म जान लीजिए अभी हिंदुस्तान मशीन टूल। उसके बाद है HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड।